बाहर की किताबें रीडिंग रूम में नहीं आएंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय एक बार फिर छात्रों के आक्रोश से गूंज उठा। छात्रों ने लाइब्रेरी में घुसकर जमकर हंगामा काटा। गेट नंबर 1 से टैगोर लाइब्रेरी तक नारेबाजी करते हुए छात्रों ने रैली निकाली और धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि लखनऊ विश्वविद्यालय को नैक A++ ग्रेड तो मिला है, लेकिन यहाँ की ऐतिहासिक कही जाने वाली लाइब्रेरी में न तो इंटरनेट की सुविधा है और न ही स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए किताबें इशू की जा रही हैं। शुक्रवार को भी बारिश में टैगोर लाइब्रेरी झरने की तरह बह रही थी, लेकिन पढ़ाई लिखाई के विषय में यहां पर कोई सुनने वाला ही नहीं है। छात्रों को सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये देख लीजिए, आपके सामने ये सब देखिए, हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, यहां पे A++ मिला हुआ है विश्वविद्यालय को। बाहर जाते तो बड़े चाव से बोलते हैं कि हाँ, हमारे विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, A++ मिला, पहला विश्वविद्यालय ऐसा था जो सबसे पहले पाया है। यहाँ की हालत देखिए, बच्चे ऐसा मतलब थोड़ा दबा दिया बैठ पड़ा हुआ है, सारा सामान इसमें जो भी उपयोगी है इसमें आधा बह जाता है, टूट जाता है, प्रशासन बोलता है मेरे से मतलब नहीं है। आप सामने देखिए, यहाँ पानी बह रहा था, इतना पानी छू रहा था, ऐसे उठा उठा बस्ता फिसल गया, यहाँ पे सारा ये है, ये प्रॉब्लम है। वहां से बच्चा पानी छू रहा है, उस पर ये भी बच्चा फिसल गया, प्रशासन बोलता है मेरे से स्पॉल्टी नहीं ले रहा हूँ। जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस के रिगार्डिंग हमें बुक्स पढ़नी होती है, तो उसको खोजने में हमको प्रॉब्लम होती है, और यहाँ बुक्स ले जाने लिए भी नहीं देते हैं, हम अपना बुक नहीं ले जा सकते हैं, और जो यहाँ बुक मिलती है उसमें मेरा सिलेबस नहीं मिलता है। तो और साइबर लाइब्रेरी में हम लोग जाते हैं तो वहाँ इंटरनेट नहीं चलता है कंप्यूटर पे, तो हम लोग को अपने मोबाइल से मतलब इंटरनेट लेकर वाईफाई हॉटस्पॉट लेकर पढ़ना पड़ता है। लमसम 2 साल हो गया है मैंने लाइब्रेरी में आया, टैगोर लाइब्रेरी कभी देखा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं साइबर लाइब्रेरी में जाता हूँ तो हमारे घर पे भी एसी है, ऐसी बात नहीं, एक एसी लगी रहती कमरे में, हम लोगों को ठंड लगने लगती है, गर्मियों में चद्दर ओढ़ के सोना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, इतने एसी लगे हैं उसमें इतनी गर्मी हो रही है, छात्र कैसे पढ़ पाएगा। इंटरनेट की समस्या आप देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय में किस तरह से इंटरनेट की समस्या है। तीसरी चीज की प्रमुख रूप से हर व्यक्ति का पानी का मुद्दा होता है, हर व्यक्ति पानी की जाके देख लीजिए, किसी नाले से पानी की बदतर नहीं है, किस तरह से पानी आ रही है। और एक टैगोर लाइब्रेरी में नया एक फरमान आया है, मैं तो मतलब 1.5 साल हो गया कि कभी लाइब्रेरी में तो गया ही नहीं, टैगोर लाइब्रेरी देखा ही नहीं, तो परसों जा रहा था, एक लड़का जा रहा है, तो मैम वहाँ पे खड़ी आप देख सकती हैं, तो वो मैम कहा कि मैं बुक लेकर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन वो बुक लेकर नहीं जाने, कह रही यहीं पे पढ़ो, हद हो गई। मतलब एक गर्व से हम लोग कहते हैं कि जहाँ कहते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हूँ, यहाँ की इतिहास आप पढ़ सकते हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास क्या है, गर्व से कोई बच्चा कहता है कि मैं लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास में पढ़ता हूँ, लेकिन आज वही लखनऊ विश्वविद्यालय देख लीजिए किस तरह से बदतर हाल हो गई है लखनऊ विश्वविद्यालय की। सपना होता था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहता, हम ही लोगों के साथ अब रिफर ही नहीं करते लखनऊ विश्वविद्यालय। मेरा प्रशासन से यही मांग है कि जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर किया जाए, वरना तो मतलब युवा का उल्टा वायु होता है, आप जानती हैं। 3 साल से मैं पढ़ते आ रहा हूँ, मुझे कभी भी तो इतना भी ये हुआ है कि लाइब्रेरी में कभी भी जाता हूँ तो उस पर जितने भी कंप्यूटर हैं, कुछ कंप्यूटर छोड़ दो, उस पर लिखा होता है नॉट वर्किंग, ये तो चलता ही नहीं है। पानी की सबसे ज्यादा समस्या है, यहाँ तो टॉयलेट की समस्या है, यहाँ जब मैम से शिकायत करो तो मैम बोलती है मुझे पता ही नहीं है, मतलब यहाँ जब शिकायत करो तो जो मैम चिया पांडे मैम जो है आती है उनको बताते हैं, मेरे पास सूचना ही नहीं पहुंचती है। यहाँ हर बच्चा जा जाते 10-10 बार बोलता है, बोलती सही हो जाएगा, हर 3rd दिन बाद टाइम दिया जाता है, मतलब दिन पर दिन बढ़ाया जाता है कि हाँ टाइम मिल रहा है, 3 दिन में सही हो जाएगा, 2 दिन में सही हो जाएगा। उससे बाद में जब बच्चा फिर से आता है तो बोलता है कि अभी मैम से बोला गया है, जब मैम यहाँ आती तो बोलते मुझे पता ही नहीं है, कल मैम यहाँ आई मैम से बताया जब मैम ने सीधे बोलता मुझे तो पता नहीं है। हम लोग आज मजबूरन बैठे हुए हैं यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए, लेकिन काफी समय हुआ जा रहा है, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन से अभी तक कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति हम लोगों की मांग सुनने के लिए अभी तक नहीं आया। हम लोग टैगोर लाइब्रेरी या साइबर लाइब्रेरी से जुड़े विभिन्न मुद्दों के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज जब देखा जा रहा है कि कल थोड़ी सी बारिश होती है और उस बारिश के बाद में ये लाइब्रेरी झरने के जैसे बहने लगी, यहाँ पे जो बैग्स रखे हुए थे उनमें पानी जा रहा है, और वो बैग्स इतने, क्योंकि हम लोग उस संस्कार के लोग हैं कि हमारी किताबें, हमारे बैग्स जो जमीन पे गिरते हैं तो हम लोग उनको सर से लगाने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे बैग्स कल जमीन में पड़े हुए थे, एक ये भी मुद्दा है। इसके अलावा लाइब्रेरी का इंटरनेट,
जो मुझे लगता है कि सालों से हमेशा कभी चलता है, कुछ कंप्यूटर्स में चलता है, कुछ में नहीं चलता है, एक ये भी गंभीर मुद्दा है, इसके लिए भी हम लोग आए हुए हैं। और अभी कुछ दिन हुए हैं एक वीडियो वायरल होता है, एक छात्र के साथ में देखा जा रहा है कि वो रीडिंग हॉल में अपनी बुक्स ले जाना चाहता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि शायद हर किताब आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध ना हो, और आपका लैपटॉप ले जाने की भी वहां पे उन्होंने डिनाइड कर दिया कि आप लैपटॉप नहीं ले जा सकते। हम लोगों की एक प्रमुखता से ये भी मांग है कि हम लोग अपनी लाइब्रेरी में अपनी किताबें, अपने लैपटॉप्स या अपने जरूरी सामान एटलीस्ट ले जा सकें, जिससे क्योंकि कुछ बच्चे पीडीएफ से पढ़ते हैं और भी तरीकों से पढ़ते हैं, तो उनका उसमें काम चल सके। इसके अलावा टैगोर लाइब्रेरी में पंखे लगे हुए हैं जो कि बहुत पुराने समय से लगे हुए हैं और बहुत ऊपर लगे हुए हैं, बच्चों को हवा वगैरह नहीं लगती है, तो उनको वातानुकूलित किया जाए, उनके बढ़िया से उनको बच्चों को बैठने की व्यवस्था के साथ ठंडी हवा की उपचार हो सके और साथ में टॉयलेट और पानी वगैरह की अच्छी व्यवस्था हो सके। इन सब मूलभूत मांगों के लिए आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की जो ये लाइब्रेरी आप देख सकते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी की समस्या आए दिन बढ़ती ही जा रही है। इंटरनेट की समस्या आपको आए दिन बनी रहती है। आप देखते हैं पीएचडी स्कॉलर्स जिनको पूरा काम इंटरनेट पे करना है, इस समस्या से जूझ रहे हैं और महीनों महीनों से ये समस्या चल रही है। विश्वविद्यालय में आप देख रहे हैं कि यहाँ की जो लाइब्रेरियन है वो लाइब्रेरी से सीसी वीडियो का जो वो टीवी है उसको निकाल ले जा रही है अपने घर टीवी निकाल ले जाने के पास उनके पास समय है, पर इस लाइब्रेरी को दुरुस्त कराने का समय नहीं है। वो हम लोग इतनी देर से यहाँ पे बैठे हैं, अभी वो यहाँ पर नहीं आई है, और हम लोग की प्रमुख मांग है कि लाइब्रेरी का समय बढ़ाया जाए, इंटरनेट की व्यवस्था को बहाल किया जाए, पानी हम लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए, और जो ये बरसात के मौसम में अभी एक छात्र का वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि उन्होंने एक वीडियो बनाया है कि पानी टपक रहा है। तो मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, 100-100 करोड़ रुपए का फंड आता है और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कर रहा है, उन 100 करोड़ फंडों की व्यवस्था क्या कर रहा है? क्या छात्र गिरते हुए बरसात के दिनों में भीगते हुए पढ़ाई करे, उसका बैग भीग जाता है, रैक की व्यवस्था नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन क्या आखिर में दिखाना चाहता है? खुद तो बड़े बड़े महलों में एसी की तरह बैठे हुए हैं, एसी लगा के 4-4 एसियां, और यहाँ पे छात्र रीडिंग हॉल में बिना एसी के बैठ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ लाइब्रेरियन महोदया से कि क्यों नहीं हमारे यहाँ एसी की व्यवस्था की जा रही है कि छात्र भी एसी में बैठ के पढ़ सके? और एक फरमान लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाए, जो तानाशाही फरमान है कि जो छात्र है वो अपनी पुस्तकें लेकर लाइब्रेरी में पढ़ने नहीं आ सकता। अगर छात्र को अपने कोर्स का पढ़ना है तो वो अपनी ही पुस्तक लेके आगे पढ़ेगा ना। अगर मान लीजिए वो पुस्तक इस लाइब्रेरी में उपलब्ध नहीं है तो छात्र कहाँ से पढ़ेगा? इसलिए विश्वविद्यालय से मांग है कि इन प्रमुख मांगों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द ये बातें हम लोग की पूर्ण करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बात होंगे। जी, अभी हमें रिसेंटली में ऐसा न्यूज आया हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से कि लाइब्रेरी में शायद अपनी बुक्स स्टूडेंट्स को नहीं लेके जानी है। अब मान लीजिए अगर मैं किसी चीज की प्रिपरेशन करती हूँ और अपनी बुक्स ना ले जाऊँ, मैं लाइब्रेरी से ढूंढना भी मेरे लिए मुश्किल चीजें होंगी, क्योंकि मेरा एक सिलेबस जो भी उस चीज के अकॉर्डिंग मुझे पढ़ना होगा तो मैं वहाँ अपनी ही किताब लेके जाऊंगी। प्लस मैं ये भी चीजें नोटिस कर रही हूँ, यूनिवर्सिटी में फंड्स आती है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी सही नहीं है, लाइक एसी का ना चलना, फिर पंखे इतने ऊपर लगे हुए रहना, जो भी चीजें बारिश में पानी की वजह से बैग वगैरह गीले हो जाना है, तो ये हमारे लिए बहुत स्टूडेंट्स, मैं अगर डेली लाइब्रेरी में विजिट करती हूँ तो मेरे लिए काफी प्रॉब्लम फेस मैं कर रही हूँ उस चीज को लेके। तो अगर मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी के, और यूनिवर्सिटी को अगर मतलब कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी को रैंकिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे ले जाने की कोशिश करता है, तो मैं जो भी हमारे वीसी वाइस चांसलर या फिर जो भी है जो कि इस चीज में हेल्प करते हैं कि यूनिवर्सिटी को आगे तक ले जाया जाए, नाम हो हमारी यूनिवर्सिटी का, तो बेसिकली यूनिवर्सिटी के नाम होने में इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी प्रॉब्लम्स को पे ध्यान दिया जाए और इसे सॉल्व किया जाए।